भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये संकल्प पत्र जारी किया गया। कांग्रेस के 7 गारंटियों के मुकाबले भाजपा ने कुल 20 वादे करते हुए प्रदेश के कायाकल्प के संकल्प की बात कही। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमने 2014 में जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने इतने काम किए कि दिल्ली से रोहतक तक पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा ही लगा। इससे दिखता है कि हमने राज्य में कितने ज़्यादा काम किए। उन्होंने कहा कि राज्य में रेलवे का बजट तो पहले के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आइए जानते हैं भाजपा ने क्या क्या वादे किए हैं। संकल्प पत्र में वादा किया गया कि 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड भी गठन किया जाएगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण छात्राओं को स्कूटर देने का वादा किया गया। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को 25 लाख तक का कर्ज का प्रस्ताव दिया गया। सभी हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 24 फसलों की MSP पर खरीद की जाएगी। हर जिले में ओलंपिक खेलों की ट्रेनिंग का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपये की रकम दी जाएगी। राज्य में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख PM आवास दिए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सेवा मुफ्त दी जाएगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत सभी महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। भाजपा ने वादा किया कि DA और पेंशनों में जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूला के आधार पर सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेसवे मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली से रोहतक, पानीपत, पलवल, दरूहेड़ा के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू करने का वादा किया गया। राज्य के 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड मिलेगी। दक्षिण हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क तैयार किया जाएगा। हरियाणा के सभी SC और OBC छात्रों को किसी भी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाएगी और साथ ही 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए अलग से 5 लाख के फंड की सुविधा दी जाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना बनाई जाएगी। अब फिलहाल तो ये 20 वादे वो हैं जो BJP ने किए हैं और ये कहा है कि अगर वो तीसरी बार अपनी सरकार हरियाणा में बनाते हैं तो फिर ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या होने वाला है जल्द ही फैसलों में। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया।